वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में श्रेयस अय्यर की जगह लेगा ये खतरनाक बल्लेबाज, बीसीसीआई ने किया साफ। तो दोस्तों कौन सा खिलाड़ी लेगा श्रेयस अय्यर की जगह और क्या है बीसीसीआई के लाइव अपडेट्स, सब कुछ बताएंगे आज के स्पेशल वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और आप भी श्रेयस अय्यर के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में श्रेयस अय्यर की जगह कौन सा बल्लेबाज ले सकता है। बता दी कि श्रेयस अय्यर कमर की चोट के कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच से बाहर हो गए हैं। इस साल 7 जून से 21 जून तक लंदन में ओवल मैदान पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है। श्रेयस अय्यर अपनी कमर की सर्जरी करवाएंगे जिसकी वजह से वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह साफ किया है कि श्रेयस अय्यर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच नहीं खेलने की सूरत में हनुमा बिहारी के नाम पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने हनुमा बिहारी को अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। अब जब श्रेयस अय्यर चोटिल होकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो गए हैं तो उस सूरत में बीसीसीआई को हनुमा बिहारी की याद आई है। सूर्य कुमार यादव का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा इसलिए अब बीसीसीआई हनुमा बिहारी पर विचार कर रहे हैं। बीसीसीआई एक वरिष्ठ अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट्स से कहा, श्रेयस अय्यर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज था। श्रेयस अय्यर का चोटिल होकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर होना हमारे लिए चिंता का विषय है। हनुमा बिहारी पर विचार किया जा रहा है, वह काफी अनुभवी बल्लेबाज है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। हनुमा बिहारी को इंग्लैंड में टेस्ट खेलने का भी अनुभव है। हनुमा बिहारी के नाम पर अंतिम फैसला सिलेक्शन मीटिंग में सिलेक्टर्स करेंगे। बीसीसीआई मई के पहले हफ्ते में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के लिए स्क्वाड की घोषणा कर सकते हैं। हनुमा बिहारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम इंडिया के लिए एक तुरुप का इक्का साबित होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हनुमा बिहारी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, जोस हेजलवुड और पैट कमिंस की तिगड़ी के खिलाफ सबसे घातक हथियार साबित होंगे। हनुमा बिहारी 2018-19 और 2020-21 में दो बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं। जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दोनों ही बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हराई थी, हनुमा बिहारी को अच्छी तरह पता है कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, जोस हेजलवुड और पैट कमिंस की किस तिगड़ी के खिलाफ कैसे रन बनाना है। हनुमा बिहारी ने जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में घायल होने के बाद भी 161 गेंदों में नाबाद 23 रनों की पारी खेलकर मुकाबला ड्रॉ कराया था। हनुमा बिहारी ने 16 टेस्ट मैचों में 33.56 की औसत से 839 रन बनाए। हनुमा बिहारी ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में हनुमा बिहारी ने 5 विकेट झटके हैं। हनुमा बिहारी एक ऑलराउंडर है और जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में हनुमा बिहारी टीम इंडिया के लिए एक उपयोगी ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सकते हैं।